नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य नीरज शास्त्री पुनः आपका गुरु कृपा कॉम्पिटिस क्लासेस के निःशुल्क यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आज एक नए टॉपिक के साथ में आया हूं और जो टॉपिक है माहेश्वर सूत्राणि। इनके बारे में आज आपको पढ़ाऊंगा। यानी कि सबसे पहले तो ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं इनके बारे में थोड़ी सी कहानी है, मैं उसे आपको बताना चाहूँगा कि एक ग्रंथ है काश्यकावृत्ति। काश्यकावृत्ति किसका है ये ग्रंथ? जयादित्य बामन। ये जो लेखक हैं ये दो हैं, यानी दोनों लेखकों के यानी दोनों लेखकों ने इस ग्रंथ का निर्माण किया, तो एक साथ में दोनों के नाम जोड़ दिए, जयादित्य बामन, जो कि ये अलग अलग हैं। यानी कि इस काश्यकावृत्ति नामक ग्रंथ में ये बताया गया है कि एक बार महर्षि पाणिनिका, इन माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई ये बता रहा हूं मैं आपको, कि इस काश्यकावृत्ति नामक ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि महर्षि पाणिनिका और कात्यायन का, इन दोनों के मध्य में शास्त्रार्थ हो जाता है, यानी शास्त्र के विषय में चर्चा। एक बार महर्षि पाणिनि और कात्यायन के बीच में शास्त्रार्थ हो जाता है और उस शास्त्रार्थ में जो महर्षि पाणिनि हैं ये क्या हो जाते हैं? पराजित। ये जो भी मैं आपको बात बता रहा हूं ये सभी जो काश्यकावृत्ति नामक ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है कि एक बार महर्षि पाणिनि और कात्यायन के मध्य में शास्त्रार्थ हो जाता है तो उस शास्त्रार्थ में जो महर्षि पाणिनि है वो क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। पराजित हो जाने के बाद में ये बहुत दुखी होते हैं और जब ये पराजित हो जाते हैं तो इन्होंने ये ठान ली कि मैं अब भगवान शिव की क्या करूंगा? आराधना करूंगा। तो महर्षि पाणिनि सीधे प्रयागराज गए। प्रयागराज यूपी में है। प्रयागराज गए, प्रयागराज में एक बट वृक्ष के नीचे, कहां? प्रयागराज में एक बट वृक्ष के नीचे महर्षि पाणिनि ने क्या की? तपस्या की। तो महर्षि पाणिनि की तपस्या के फलस्वरूप तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव, जिसे हम क्या कहते हैं? महेश्वरी कहते हैं। भगवान शिव क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। और भगवान शिव महर्षि पाणिनि के समक्ष क्या करते हैं? तांडव नृत्य। क्या करते हैं? तांडव नृत्य। और तांडव नृत्य के अवसान के बाद, यानी तांडव नृत्य के अवसान के बाद, अवसान का मतलब है समाप्ति। अवसान का मतलब क्या होता है? समाप्ति। यानी भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया और उस तांडव नृत्य के अवसान के बाद में अपने डमरू नामक वाद्य यंत्र को, अपने डमरू नामक जो ये वाद्य यंत्र है उनका, उसको 14 बार बजाया। कितनी बार बजाया? 14 बार, जिसको सिद्धांत कौमुदीम और ग्रंथों में दे रखा है नव पंच वार। नव पंच ये संख्या दे रखी है, नव पंच यानी 9 और 5 कितने हो गए? 14। यानी कि भगवान शिव ने तांडव नृत्य की समाप्ति के उपरांत क्या बजाया? डमरू नामक वाद्य यंत्र को कितनी बार बजाया? नव पंच बार, यानी 14 बार बजाया। तो भगवान शिव के उस डमरू नामक वाद्य यंत्र से ही ये 14 सूत्रों की उत्पत्ति हुई जो आप पढ़ते हैं। पुनः सुने, काश्यकावृत्ति नामक ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि एक बार महर्षि पाणिनि और कात्यायन के मध्य में शास्त्रार्थ हो जाता है, शास्त्र के विषय में चर्चा होती है और उस चर्चा में महर्षि पाणिनि जो है वो क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। और पराजित होने के बाद में वो क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। दुखी होने के बाद में उन्होंने ये ठान ली कि मैं अब भगवान शिव की क्या करूंगा? आराधना करूंगा, तपस्या करूंगा। और वो तपस्या करने के लिए कहां गए? प्रयागराज।
और प्रयागराज में, जो कि एमपी में है, प्रयागराज में उन्होंने वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव की क्या की, तपस्या की, भगवान शिव की क्या 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 किया, तप किया। और उसके बाद में भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के बाद में महर्षि पाणि के समक्ष तांडव नृत्य करते हैं। और उस तांडव नृत्य के अवसान के बाद, ये जरूर है, यानी तांडव नृत्य करते हुए डमरू नहीं बजाया, तांडव नृत्य के अवसान के बाद यानी समाप्ति के बाद उन्होंने अपने डमरू नामक वाद्य यंत्र को नव पंच बार यानी 14 बार बजाया और उस डमरू नामक वाद्य यंत्र से ही ये 14 ध्वनि निकली। किसने बजाया? भगवान शिव ने बजाया। और शिव को ही क्या कहते हैं? महेश। इसलिए इन 14 सूत्रों का क्या नाम दे दिया? माहेश्वर सूत्र। क्या नाम दे दिया? माहेश्वर सूत्र। इसके बाद में ये जो 14 सूत्रों की जो उत्पत्ति हुई वो भगवान शिव के डमरू से हुई, लेकिन इनको लिखने का काम, क्योंकि महर्षि पाणि को तो पांडित्य प्राप्त करना था, तो इनको लिखने के काम, इनकी रचना किसके द्वारा की गई? महर्षि पाणि के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? महर्षि पाणि के द्वारा की गई। तो जब इनकी रचना यानी 14 सूत्रों की रचना, 14 माहेश्वरी सूत्रों की रचना महर्षि पाणि के द्वारा की गई, तो इन 14 सूत्रों को क्या नाम दे दिया? पाणि सूत्र। क्या नाम दे दिया? पाणि सूत्र। इन्हें हम क्या नाम, किस नाम से भी जानते हैं? पाणि सूत्र के भी नाम से जानते हैं। यानी इन 14 सूत्रों के द्वारा प्रत्याहारों का निर्माण होता है। कितने प्रत्याहारों का निर्माण होता है? 42 या 44। ये भी बताऊंगा मैं कैसे 42 है कैसे 44 है। इन 14 माहेश्वरी सूत्रों के सूत्रों के द्वारा या पाणि सूत्रों के द्वारा 42 या 44 प्रत्याहारों का निर्माण होता है, इसलिए इन सूत्रों को हम क्या कहते हैं? प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। नामों को देख ले आप पहले, माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं, पाणि सूत्र क्यों कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र क्यों कहते हैं। इसके बाद में इन्हें प्राण सूत्र, शिव सूत्र जाल, शिव के सूत्रों का जाल, इन्हें हम प्राण सूत्र, शिव सूत्र जाल और वर्ण समामनाएं, इन सूत्रों को प्राण सूत्र, शिव सूत्र जाल और वर्ण समामनाएं। समामनाएं का मतलब होता है, समामनाएं शब्द का अर्थ होता है वेद, यानी कि वर्णों का वेद, वर्ण समामना या अक्षर समामना के नाम से भी जाना जाता है। यानी इन 14 सूत्रों को हम किस नाम से जानते हैं? वर्ण समामना या अक्षर समामना, जिसमें समामना शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद, यानी कि वर्णों का वेद, अक्षरों का वेद। ये तो बात करी हमने नाम की, कि माहेश्वरी सूत्रों को यानी माहेश्वरी सूत्र क्यों कहते हैं, पाणि सूत्र क्यों कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र क्यों कहते हैं, और इन्हें हम प्राण सूत्र, शिव सूत्र जाल और वर्ण समामनाए के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में ये तो हमने करी नाम की बात, अब बात ये करते हैं कि भी 14 सूत्र कौन कौन से हैं, यानी कि 14 माहेश्वरी सूत्रों को लिख रहा हूं मैं। ए ई उण रील रक एंग आई ओच है ये वरट लण जमंगणनम झवैये घड़धस जब गड़धस
जबगढ़ दस, ग्यारहवा है ख फ छ ठ थ चटतव। कपय तीरमा है ससर हल। यानी कि ये 14 माहेश्वरी सूत्र हैं। एंड रीलरप एंग अयच हयवरट लण जमंगणम झमय घड़दस जबगड़दस खपचट तो चटतप कपय ससर हल। ये 14 माहेश्वरी सूत्र हैं, 14 पाणी सूत्र हैं, 14 प्रत्याहार सूत्र हैं, और इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? शिव सूत्र जाल वर्ण समामना है या अक्षर समामना है, इस नाम से, अन्य नामों से इनको हम जानते हैं। यानी कि सबसे पहले बात यह आती है कि इन 14 सूत्रों को लिखने का उद्देश्य, यानी इन 14 सूत्रों की सहायता से, यानी कि अष्टाध्यायी के अनुसार, इन 14 सूत्रों की सहायता से अष्टाध्यायी के अनुसार 41 अष्टाध्यायी के अनुसार 41 अष्टाध्यायी में कितने प्रत्याहार बताए गए? सामान्य रूप से 41, लेकिन एक उरण रप्र सूत्र के लिए एक रह प्रत्याहार का प्रयोग और किया जाता है, इसलिए 41 प्लस 1 कितने माने गए अष्टाध्यायी में? 42। यानी कि अष्टाध्यायी में सामान्य रूप से तो कितने? 41 हैं, लेकिन बाद में एक उरण रप्र जो एक सूत्र है उसके लिए एक रे प्रत्याहार, एक रे प्रत्याहार बनाया जाता है, तो रे प्रत्याहार को इसमें समाहित कर दिया जाए 41 में, तो कितने हो जाएंगे? 42। यानी अष्टाध्यायी में 42 और कुल प्रत्याहार, और कुल प्रत्याहार कितने होते हैं? 44। दो और होते हैं चे और जम, इन दोनों को और मिला दिया जाए तो कुल प्रत्याहारों की संख्या कितनी मानी जाएगी? 44। तो इनको 14 माहेश्वरी सूत्रों को लिखने का उद्देश्य इतना ही है कि इन 14 सूत्रों के द्वारा, इन 14 माहेश्वरी सूत्रों के द्वारा, इन 14 पाणी सूत्रों के द्वारा प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। और कितने प्रत्याहार? 42 या 44 प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अष्टाध्यायी में कितने प्रत्याहार माने गए, यानी सामान्य रूप से पूछ लो, सामान्य रूप से, या अष्टाध्यायी में कितने माने गए, तो 42 सामान्य रूप से मान लिया जाए तो 41, सर 41 ऑप्शन में नहीं हो, 42 ये तो कितने माने जाएंगे? 42। कुल कितने प्रत्याहारों का निर्माण होता है? 44। यानी कि दो और प्रत्याहार माने गए हैं चे और जम, ये दो प्रत्याहार और है 42 के अलावा, तो इन दोनों को और समाहित कर दिया जाए तो कुल प्रत्याहार कितने माने गए हैं? 44। लेकिन अष्टाध्यायी में यानी कि पाणिनि के अनुसार कितने माने गए हैं? 42। तो इनको लिखने का जो उद्देश्य है वो प्रत्याहारों का निर्माण करना है। तो हम बात करते हैं प्रत्याहार की, यानी कि प्रत्याहार क्या चीज है। देखो सबसे पहले तो हम प्रत्याहार की व्युत्पत्ति पढ़ेंगे, ये जो प्रत्याहार शब्द है ये कैसे बना। सबसे पहले कि प्रत्याहार शब्द कैसे बना, ये जो प्रत्याहार शब्द है इसमें प्रति प्लस आंग दो उपसर्ग हैं, प्रति प्लस आंग प्लस हिरी धातु है प्लस घे प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? घे प्रत्यय। यानी कि हम प्रत्याहार शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ रहे हैं कि प्रत्याहार शब्द कैसे बना। इस प्रत्याहार शब्द में प्रति प्लस आंग, आंग मूल उपसर्ग होता है, आ होता है, लेकिन मूल क्या होता है? आंग, मूल उपसर्ग। प्रति प्लस आंग प्लस हिरी प्लस घे कि युग से ये प्रत्याहार शब्द निष्पन्न होता है। तो इसमें अब क्या होगा भाई? देखो प्रति प्लस आंग में संधि कौन सी मानी जाएगी? यहां पर यण संधि, यानी कि ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? या असमान स्वर परे हो तो, यदि हम इस प्रति में से ई निकाले, यानी ई के स्थान पर हमको क्या करना है? यह करना है। तो जब प्रति यानी तय में से जब ह्रस्व ई निकलेगी तो तय पर क्या लगेगा? हलंत लगेगा।
और इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये। उसके बाद में ये जो अंग है इसमें से जो ये आपको गेवण दिखाई दे रहा है इसका लोप हो जाएगा, पहले संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से और तत्सलोप से क्या हो जाएगा, लोप, आ बच गया। उसके बाद में आपको जो हिरी धातु दिखाई दे रही है इस हिरी में से आपको जो री दिखाई दे रहा है हिरी धातु में, इस री के स्थान पर क्या हो जाएगा, अर। जब इस री के स्थान पर अर हो जाएगा, री निकाली हमने तो है पर हलंत लग गया और क्या हो गया, अर, क्या हो गया, अर। अब आपको देखो भाई, अब ये मिलाना है आपको, देखो प्रति प्रति में यानी ई के स्थान पर हमको हमने क्या किया था, ये। उसके बाद में आंग में जो आपको गेवण दिखाई दे रहा था उसकी हमने संज्ञा की और क्या कर दिया, लोप कर दिया। उसके बाद में हमने हिरी में जो आपको री दिखाई दे रहा था उस री के स्थान पर हमने क्या किया, अर। और अर के बाद में यानी कि ये ए इसमें मिलेगा, हलंत हट जाएगा, ये तो बनेगा हर। जब हिरी धातु में हमने री के स्थान पर अर किया है तो उसको मिलाने पर ये हर शब्द बनेगा। उसके बाद में इस धातु में ये घे प्रत्यय जुड़ेगा और घे प्रत्यय का एक नियम कहता है, घे प्रत्यय क्या कहता है कि यदि धातु की उपधा में, यदि धातु की उपधा में, अब उपधा हमको जाननी पड़ेगी, उपधा किसे कहते हैं, ये घे प्रत्यय किसी भी धातु में जुड़ता है तो इसका एक नियम लगता है कि यदि धातु की उपधा में आपको हिरस्व ए दिखाई दे, उपधा में क्या दिखाई दे, हिरस्व ए दिखाई दे, तो ए के स्थान पर क्या हो जाता है, आ। यानी कि यदि धातु की उपधा में हिरस्व ए दिखाई दे तो उस हिरस्व ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाता है। तो अब उपधा आपको पता होना चाहिए, उपधा किसे कहते हैं, तो जब घे प्रत्यय किसी धातु में जुड़ता है तो उपधा में यदि ए हो तो आ हो जाता है। तो उपधा किसे कहते हैं, उपधा कहते हैं कि अंतिम वर्ण से ठीक पहले वाले वर्ण को क्या कहते हैं, उपधा। पहले आपको धातु में क्या देखना पड़ेगा, अंतिम वर्ण, और अंतिम वर्ण से जो ठीक पहले वाला वर्ण होगा वो क्या माना जाएगा, उपधा। तो इस जो ये हर आपको दिखाई दे रही धातु, हर धातु, इसमें अंतिम वर्ण क्या है, रे। अंतिम वर्ण क्या है, रे, और रे से ठीक पहले वाला वर्ण क्या है, ए, जो कि किस में मिला हुआ है, हे में। यानी कि अंतिम वर्ण रे है और रे से पहले वाला वर्ण क्या है, ए है, किस में लगा हुआ है, किस में मिला हुआ है, हे में। तो इस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ, क्या हो जाएगा, आ। और आ यानी कि आ की मात्रा लग गई इसमें, हे में, पहले एक ही लग रही थी यानी हिरस्व एक ही लग रही थी। और इस जो ये घे प्रत्यय है, इस घे प्रत्यय का क्या जुड़ता है, ए, क्या जुड़ेगा, ए। जैसे तुमन प्रत्यय का जुड़ता है तुम, कत्वा प्रत्यय का त्वा जुड़ता है, ऐसे ही घे प्रत्यय का क्या जुड़ेगा, ए। अब मिलाना है हमको, देखो ये शब्द हमें अब मिलाना है आपको, देखो तय आधा है, आगे कोई स्वर नहीं है तो ये आधा ही रहेगा। उसके बाद में यह है, ये पर भी क्या लगा हुआ, हलंत है, आगे स्वर है, कौन सा स्वर है, दीर्घ आ है, तो दीर्घ आ की मात्रा ये में लग जाएगी, हलंत हट जाएगा। उसके बाद में देखो ये यूं कितनी मिला हुआ है, उसके बाद में रे पर क्या लगा हुआ, हलंत, लेकिन आगे कौन सा स्वर आ रहा है, हिरस्व ए आ रहा है, तो हिरस्व ए की मात्रा किस में लगेगी, रे में, हलंत हट गया, शब्द क्या बन गया, प्रत्याहार। शब्द क्या बन गया, प्रत्याहार। यानी इस प्रत्याहार शब्द में प्रति प्लस आंग दो उपसर्ग है, हिरी धातु और कौन सा प्रत्यय, घे प्रत्यय। यानी प्रति प्लस आंग प्लस हिरी प्लस घे प्रत्यय के योग से ये प्रत्याहार शब्द बनता है। और प्रत्याहार शब्द बनने के बाद में यानी ये प्रत्याहार शब्द बन गया, और इस प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या होता है, संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। संक्षेप या संक्षिप्तीकरण, इस प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या होता है, संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। अब बात ये तो हमने पता लगे नहीं, प्रत्याहार शब्द की व्युत्पत्ति बताई अभी आपको, और इसके बाद में अब आएगी परिभाषा, क्या आएगी, परिभाषा। परिभाषा है वर्णानाम
संक्षिप्तीकरणम, वर्णानाम संक्षिप्तीकरणम इति प्रत्याहार है, इति प्रत्याहार है, वर्णानाम संक्षिप्तीकरणम इति प्रत्याहार है। वर्णों का संक्षिप्ति करना ही, संक्षिप्तीकरण करना ही क्या कहलाता है? प्रत्याहार। वर्णों का संक्षिप्तीकरण करना ही क्या कहलाता है? प्रत्याहार। ये तो है प्रत्याहार की परिभाषा। उसके बाद में है ये प्रत्याहार विधायक सूत्र, यानी कि हमें प्रत्याहारों का निर्माण करना है। यानी कि ये तो रही बात हमने परिभाषा की करी कि यानी कि प्रत्याहार किसे कहते हैं। वर्णों का संक्षिप्ति करना ही क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। अब इसके बाद में हमें प्रत्याहारों का निर्माण करना है कि प्रत्याहारों का निर्माण कैसे होता है। एक प्रत्याहार विधायक सूत्र है, प्रत्याहार या संहिता विधायक सूत्र। कौन सा है? आदिरंतेन संहिता। ये सूत्र आदिरंतेन संहिता, आदि ही प्लस अंतिम, ऋतु विसर्ग संधि है यहां पर। आदि माने प्रारंभिक और अंतिम माने अंतिम। यानी कि यह सूत्र क्या कहता है? आदिरंतेन संहिता, जिसे हम संहिता विधायक सूत्र या प्रत्याहार विधायक सूत्र कहते हैं। प्रत्याहार विधायक सूत्र या संहिता विधायक सूत्र। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संहिता विधायक सूत्र निम्न में से संहिता विधायक सूत्र कौन सा है या प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है, तो कौन सा माना जाएगा? आदिरंतेन संहिता। संहिता नहीं, संहिता, वो तो संहिता, संहिता वाला जो सूत्र है वो तो संधि विधायक सूत्र है, पर है सन्निकर संहिता, वो अलग है और ये अलग है, ध्यान रखना। यह है आदिरंतेन संहिता, जिसे प्रत्याहार संहिता विधायक सूत्र कहते हैं। इस सूत्र की सहायता से हम प्रत्याहार का निर्माण करेंगे। ये सूत्र क्या कहता है? जैसे हमने पहला प्रत्याहार बनाया अच, ये सूत्र क्या कहता है कि आदि प्लस अंतिम, यानी प्रारंभिक वर्ण से लेकर के अंत तक के वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है? संहिता संज्ञा। यानी कि इस प्रत्याहार में जो प्रारंभिक वर्ण है उससे लेकर के अंतिम वर्ण तक के वर्णों की क्या होगी? संहिता संज्ञा होगी। यानी प्रारंभिक वर्ण से लेकर के अंतिम वर्ण तक के वर्णों को लिया जाएगा। तो इसमें पहला प्रारंभिक वर्ण क्या है? ए। अंतिम वर्ण क्या है? चे। और चे पर भी क्या लगा हुआ है? हलंत। तो इसमें सबसे पहले हमने ए देखा, ए ये रहा माहेश्वरी सूत्रों में। यानी कि जब तक आपको माहेश्वरी सूत्र याद नहीं होंगे आप प्रत्याहारों का निर्माण नहीं कर सकते। और माहेश्वरी सूत्रों को याद करने में कोई टिपिकल चीज नहीं है, कैसे भी आप याद कर सकते हैं। एक बार पुनः मैं आपको बोल के बताता हूं, देखो ए ई उड़ रील रक ए अंग अयोच हय वरट लण जमंगणनम झवेंगे घड़ धस जवगढ़ दस खठतव कपय ससर और हल। पहले स्वर वर्ण आ रहे हैं, उसके बाद में व्यंजन वर्ण है या वराला अंतस्थ व्यंजन है, उसके बाद में जो है पंचम वर्ण यानी पांचवें नंबर के वर्ण है। ये देखो पांचवें नंबर के वर्ण आ रहे हैं, सभी पांचवें नंबर के, यानी प्रत्येक वर्ग के पांचवें नंबर के। उसके बाद में ये चौथे नंबर के वर्ण आ रहे हैं, देख लो ये पांचवें नंबर के हैं पांचों, ये चौथे नंबर के वर्ण हैं, ये तीसरे नंबर के वर्ण हैं सभी वर्गों में से, ये सभी वर्गों के दूसरे नंबर के वर्ण हैं, ये सभी वर्गों के पहले प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है, और उसके बाद में ये ऊष्म व्यंजन है। है वार है, दो बार आ रहा है, देखो एक यहां है और यहां है। प्रत्याहारों के हिसाब से यानी 44 प्रत्याहारों का जब निर्माण होगा तो है दो बार वर्ण आएगा, और इन पाणी सूत्रों में टोटल कितने वर्ण हैं? 42। पूछ लिया जाए वर्ण कितने हैं? 42। प्रत्याहार कितने माने जाते हैं? 42 या 44। तो हम बता रहे थे कि प्रत्याहार
में वर्ण कैसे लिए जाते हैं, जो कि ये सूत्र कहता है, संहिता विधायक सूत्र है ये, आदि अंतिम संहिता, यानी कि प्रारंभिक वर्ण से लेकर के अंत तक के वर्ण लिए जाएंगे। पहला प्रारंभिक वर्ण ए है और अंतिम वर्ण क्या है, च है। तो इसमें सबसे पहले हमने ए देखा और च, च कैसा देखना है हमको, जिस पर अलंत लगा हुआ है ऐसा हमने च देखना है। ये नहीं कि जिस पर अलंत नहीं लगा हुआ वहां तक हम च देख लें तो वो तो गलत हो जाएगा। यदि प्रत्याहार में जब हलंत है तो फिर यहां पर भी हमको हलंत देखना पड़ेगा। ये राज्य यानी ए से लेकर के च तक के वर्ण लिए जाएंगे, और जितने भी ये आपको हलंत युक्त वर्ण दिखाई दे रहे हैं इनको नहीं लिया जाएगा। जितने भी हलंत युक्त वर्ण दिखाई दे रहे हैं इनको नहीं लिया जाएगा, ऐसे लेकर के च तक के वर्ण लिए जाएंगे। और जितने भी ये इत्संज्ञक वर्ण किसे कहते हैं, जिसकी इत्संज्ञा होती है उसे इत्संज्ञक वर्ण कहते हैं। जितने भी इत्संज्ञक वर्ण आपको, यानी कि जो हलंतयुक्त वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं इनको नहीं लिया जाएगा। लेकिन इनको क्यों नहीं लिया जाता है, पहले तो इन वर्णों की संज्ञा होती है और उसके बाद में क्या होता है लो, इन वर्णों की संज्ञा किस सूत्र से होगी, हलंत्यम से, यानी कि हलंत्यम सूत्र की सहायता से अंतिम हल वर्ण। हलंत्यम सूत्र क्या कहता है कि उपदेश अवस्था में आए हुए अंतिम हल वर्ण की मैं क्या करता हूं, इस संज्ञा। जब इस संज्ञा हो जाती है, इस संज्ञा हो जाने के बाद में वो इस संज्ञक वर्ण कहलाया। लेकिन आगे तत्सलोप सूत्र क्या कहता है कि जिस वर्ण की संज्ञा हो जाती है मैं उस वर्ण का क्या कर देता हूं, लोप। यानी पहले संज्ञा होनी चाहिए तब लोप करूंगा, लेकिन संज्ञा कौन करेगा, हलंत्यम। तो हलंत्यम सूत्र की सहायता से ये जितने भी वर्ण आपको हलंतयुक्त वर्ण दिखाई दे रहे हैं इन सभी वर्णों की क्या हो जाएगी, इस संज्ञा हो जाएगी और तत्सलोप से क्या हो जाएगा, लोप। लोप होने के बाद में यानी कि जितने भी इत्संज्ञक वर्ण है ये प्रत्याहार बना, प्रत्याहार में वर्ण लेते समय इन हलंतयुक्त वर्णों को, इन इत्संज्ञक वर्णों को नहीं लिया जाएगा। यानी ऐसे लेकर के च तक के वर्ण लिए जाएंगे और जितने भी इत्संज्ञक वर्ण आए हैं उनको नहीं लिया जाएगा। तो कौन कौन से वर्ण आए, ए, ई, ऊ, री, लिरी, ए, ओ, आई, आउ, ये वर्ण आए। यानी अच का मतलब है स्वर। भाई इसमें भी ये जो 14 माहेश्वरी सूत्र, इसमें भी दो चीजें, अच और हल। अच का मतलब स्वर और हल का मतलब व्यंजन। मैं एक चीज और बताऊंगा महत्वपूर्ण, और वर्ण भी आए थे, वर्ण भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, उनसे भी संबंधित चीज है कि आप बस इतना पहले आप इतना जाने कि प्रत्याहार में वर्ण कैसे लिए जाते, जो कि सिंपल सी बात है कि प्रारंभिक वर्ण से लेकर के अंतिम हलंतयुक्त वर्ण तक के वर्णों को लिया जाएगा और मध्य में आए हुए इत्संज्ञक वर्णों को छोड़ दिया जाएगा। ऐसे जैसे हमने प्रत्याहार बनाया, जैसे एंग प्रत्याहार है, एंग प्रत्याहार में वर्ण लेंगे, यानी ए से लेकर के गे तक के वर्ण लिए जाएंगे। तो पहले हमको ए देखना है और फिर गे का अनाकालिक कवर्ग वाली। कल मैंने आपको, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अनाकालियों को, यानी जितनी भी तीन अनाकाली इनको कैसे बोला जाता है। तो इंग, तो इसमें ए से लेकर के गे तक के वर्णों को लिया जाएगा, गे पर क्या लगा हुआ है, हलंत। तो पहले हमने ए देखा, उसके बाद में ये गे वर्ण है, यानी कि ए से लेकर के गे तक के वर्ण लिए जाएंगे, ए और ओ, लेकिन गे वर्ण को नहीं लिया जाएगा। तो इसमें कितने वर्ण आए, ए और ओ। प्रत्याहार में वर्ण लेते समय यह शर्त है कि प्रत्याहार में कम से कम दो वर्णों का होना बहुत जरूरी है, दो से कम वर्ण नहीं होने चाहिए। क्योंकि प्रत्याहार, जो कि पहले ही बता चुका हूं मैं, प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या होता है, संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। तो संक्षेप कौन सा रूप है, यह संक्षिप्त रूप कौन सा है, ये वाला है, अच है, इंग है, और भी प्रत्याहार बनेंगे जैसे सर है, झस है, जस है, एच है, एक है, यण है, ये है। तो जितने भी ये अण प्रत्याहार है, जितने भी ये प्रत्याहार हैं, ये संक्षिप्त रूप है। और जिधर हम वर्ण लेते हैं, यानी कि ये जो वर्ण लिखे हुए हैं, ये इसका विस्तृत रूप है। तो वही सीधी सी बात है, जो विस्तृत रूप है उधर वर्णों की संख्या ज्यादा होना चाहिए कि संक्षिप्त रूप में ज्यादा होनी चाहिए। जिधर विस्तृत का मतलब बड़ा,
तो उधर वर्णों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे ही ये नियम है कि प्रत्याहार में जब आप वर्ण लोगे तो प्रत्याहार में कम से कम दो वर्ण का होना बहुत जरूरी है, दो से कम वर्ण नहीं होने चाहिए। इंग में दो वर्ण आए, यानी कि प्रत्याहार बनाना सिंपल है, जैसे यण प्रत्याहार है, यण में ये से लेकर के ण तक के वर्ण लिए जाएंगे। ये कहां है, ये रा, ण कहां है, ये रा। इधर चलेंगे हम, ये नहीं कि ऊपर यो चलेंगे, आगे की तरफ, ये देखा ण देखा, ये से लेकर यानी ये को भी लिया जाएगा, ये जो ये है ये इसको भी लिया जाएगा, ये नहीं है कि इसको छोड़ दिया जाएगा। ये वे रे और ले, ये जो डे वर्ण है इसको नहीं लिया जाएगा दो सूत्रों की सहायता से। हलंतम से इसकी क्या हो जाएगी, इस संज्ञा और तत्सलित लोपे से क्या हो जाएगा, लो। और वर्ण कौन कौन से है, या वा राला, यानी जितने भी प्रत्याहार है उनमें प्रारंभिक वर्ण से लेकर के अंतिम हलंतयुक्त वर्ण तक के वर्णों को लिया जाता है, और जितने भी आपको इत्संज्ञक वर्ण दिखाई देते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। ये तो बात रही आपके प्रत्याहारों का निर्माण कैसे होता। एक प्रत्याहार है जो थोड़ा टिपिकल है, मैं उसे अभी बताऊंगा, रे प्रत्याहार। देखो रे प्रत्याहार है, ये रे, इसमें वर्ण लिए जाएंगे क्योंकि अष्टाध्यायी में पहले सामान्य रूप से 41 प्रत्याहारों का ही विवरण है, सामान्य रूप से सबसे पहले। लेकिन ये जो उरण रप्र सूत्र है, उरण रप्र सूत्र में रे प्रत्याहार आता है, यानी उरण रप्र सूत्र को ध्यान में रखते हुए रे प्रत्याहार का निर्माण किया गया है। हालांकि इस रे प्रत्याहार का एक नागेश भट्ट हुआ व्याकरणाचार्य, उसने इसका समर्थन नहीं किया, महर्षि पाणिनि का समर्थन नहीं किया कि ये रे प्रत्याहार नहीं बनेगा। ऐसे तो रे प्रत्याहार के हिसाब से तो और भी कई प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं, उन्होंने तो इसका खंडन किया था नागेश भट्ट ने, लेकिन महर्षि पाणिनि ने उरण रप्र सूत्र के लिए इस रे प्रत्याहार का निर्माण किया। तो इसमें रे प्रत्याहार में सबसे पहले तो आप देखकर ये चकित हो जाते हैं, रे प्रत्याहार इसका तो ना तो अंत, ना तो प्रारंभिक, ना अंत, कुछ दिखाई नहीं देता है इसमें। तो रे प्रत्याहार में वर्ण लिए जाएंगे, कहां तक के वर्ण लिए जाएंगे, आपको पता है कि जितने भी अभी मैंने आपको प्रत्याहार बताए थे, जैसे एक प्रत्याहार है एक, तो इसमें कै जो वर्ण है वो इत्संज्ञक है, इत्संज्ञक वर्ण है कै इसमें। तो यहां पर इत्संज्ञक वर्ण कौन सा है, यानी रे से लेकर के कहां तक के वर्ण लिए जाएंगे। तो देखो भाई, इत्संज्ञा व्यंजन वर्ण के साथ साथ स्वर वर्ण की भी इत्संज्ञा होती है। अंतिम जो हलवर्ण की इत्संज्ञा होती है वो तो हलंत्यम से होती है, लेकिन जो स्वरवर्ण की संज्ञा होती है वो उपदेश अज अनुनासिक इति सूत्र की सहायता से होती है। तो इसमें जो आप यहां देखिए, जो आपको छठवें नंबर पर लड़ प्रत्याहार आपको दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है लड़ प्रत्याहार आपको दिखाई दे रहा है, तो इस जो लड़ प्रत्याहार में आपको जो ले वर्ण दिखाई दे रहा है और ले में जो ए है भाई, उच्चारण के लिए सभी वर्णों में हलंतयुक्त वर्णों को छोड़ करके उच्चारण की दृष्टि से सभी में ह्रस्व ए को मिलाया गया उच्चारण के लिए, क्योंकि जब हम इन 14 माहेश्वरी सूत्र का उच्चारण करेंगे तो तब तक यदि व्यंजन वर्णों में हम स्वर का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम इनका उच्चारण नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से इनमें ए नहीं मिलाया जाता है। तो आपको जो लण प्रत्याहार में जो ले में जो ए दिखाई दे रहा है, यानी ये जो ले है और ले में क्या है, ए, हिरस्व ए, इस हिरस्व ए को इत्संज्ञक माना है, इस हिरस्व ए को क्या माना है, इत्संज्ञक। किस सूत्र की सहायता से माना है, उपदेश अच अनुनासिक इत, उपदेश अज अनुनासिक इत। सूत्र की सहायता से इस ए की क्या हो जाएगी, इत्संज्ञा, यानी इत्संज्ञक वर्ण क्या है, ए है। जैसे अच में इत्संज्ञक वर्ण क्या था, चे, एक में इत्संज्ञक वर्ण क्या था, के, यण में इत्संज्ञक वर्ण क्या था, डे, सर में इत्संज्ञक वर्ण क्या है, रे, जस में इत्संज्ञक वर्ण क्या है, से, सर में इत्संज्ञक वर्ण क्या है, रे, यानी प्रत्येक प्रत्याहार का जो अंतिम वर्ण है वो इत्संज्ञक है। लेकिन यहां पर इत्संज्ञक वर्ण कौन सा है, ए, रे में क्या है, अंत में ए,
यानी रे से लेकर के ए तक के वर्ण लिए जाएंगे, लेकिन ए कैसा होना चाहिए? इत संज्ञक। और इत संज्ञक ए कहां माना है हमने? ले में। माना है कि नहीं माना है? यानी कि रे से लेकर के ए, यानी रे ये रहा, रे से लेकर के ए तक के वर्ण लिए जाएंगे, और ए क्या है यहां पर? इत संज्ञक। यानी ये नहीं है ए तो इन सभी में मिला हुआ है, लेकिन हमने केवल जो ले में जो स्थित ए है उसको इत संज्ञक माना है। किस सूत्र की सहायता से? उपदेश अज अनुनासिक इत सूत्र की सहायता से। यानी इस सूत्र की सहायता से इस ले में जो ए है इसको क्या माना है? इत संज्ञक। तो यानी कि रे से लेकर के ए तक के वर्ण लिए जाएंगे, तो कौन कौन से वर्ण आए? रे को भी लिया जाएगा, रे और ले। यानी कि इस रे प्रत्याहार में रे और ले ये दो वर्ण आते हैं। इस रे प्रत्याहार को जब अष्टाध्याय में जब समाहित करते हैं तो प्रत्याहारों की संख्या कितनी हो जाती है? 42। लेकिन चे और जम ये दो प्रत्याहार बनते 42 के अलावा, चे और जम इन दोनों प्रत्यारों को जब मिला दिया जाता है तो कुल प्रत्यारों की संख्या कितनी मानी जाती है? 44। जैसे चे है तो चे में तो सिंपल है, चे से लेकर के ये तक के वर्ण लिए जाएंगे। चे कहां है इसमें? पहले तो आपको चे देखना है, और चे के बाद में क्या देखना है? ये तो देखो, ये रहा चे और ये रहा ये, कौन कौन से वर्ण आए? च, ट और ते, वे को तो लिया ही नहीं जाएगा, और के और पे ये वर्ण आए। ऐसे जम प्रत्याहार है, जैन से लेकर के मैं तक के वर्ण आए, यानी इसमें पांचों अनुनासिक व्यंजन आएंगे। मैं को तो लिया ही नहीं जाएगा, और क्यों नहीं लिया जाता ये मैं बार बार आपको बता ही रहा हूं कि इसमें जितनी भी संज्ञक वर्ण है उसकी पहले संज्ञा होगी, जितनी भी हलंतक तो वर्ण है पहले इनकी संज्ञा होगी हलंतम से, और तस्य उपसंज्ञा हो जाएगा लो। ये आपको मैंने आपको प्रत्याहार बताया कि प्रत्याहारों का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद में मैं एक महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा, क्योंकि एक दो बार इसमें से क्वेश्चन आया है। एक बार जब आर टेट प्रारंभ हुई थी, सबसे पहले आर टेट, अब तो रीट हुआ है, सबसे पहले जब ये थर्ड ग्रेड की परीक्षा लगी थी आर टेट, पहले आर टेट का पेपर लगा, उसके बाद एक और पेपर लगा, दो पेपर हुए थे। तो आर टेट में, यानी कि 2011 बारे की बात करेंगे, आर टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पाणिनीय सूत्रों के अनुसार स्वर वर्णों की संख्या, पाणिनीय सूत्रों के अनुसार, पाणिनी के अनुसार नहीं, क्योंकि पाणिनी ने तो वर्णमाला में भी वर्ण बताए, वहां पर विर्मित हो गए ऐसे छात्र कि क्या किया जाए इस स्थिति में। पाणिनीय सूत्र जो कि पाणिनीय सूत्र यदि आ रहा है तो 14 माहेश्वरी सूत्रों पर जाओगे आप, वो वर्णमाला में सूत्र थोड़ी है। तो पाणिनीय सूत्रों के अनुसार, पाणिनीय सूत्रों के अनुसार स्वर वर्णों की संख्या, यानी स्वर वर्ण कितने होते हैं, मैं अलग अलग हिसाब से बताऊंगा, स्वर और व्यंजन, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं पाणिनीय सूत्रों के अनुसार, पाणिनी के अनुसार नहीं, पूछ लिया जाए पाणिनीय सूत्रों के अनुसार या फिर मैत्री सूत्रों के अनुसार या फिर प्रत्याहार सूत्रों के अनुसार, तो एक ही बात है, क्योंकि 14 माहेश्वरी सूत्रों को हम माहेश्वरी सूत्र भी कहते हैं, पाणिनीय सूत्र भी कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, शिव सूत्र जाल भी कहते हैं, प्राण सूत्र भी कहते हैं, वर्ण समामनाएं भी कहते हैं, कई नाम है इनके, और नामों के बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूं। तो सबसे पहले पाणिनीय, यानी पाणिनीय सूत्रों के अनुसार स्वर कितने होते हैं, तो आपको पता है स्वर कहां है? अच, अची तो है स्वर, यानी अच प्रत्याहार जो बना है उसमें तो सभी स्वर है, गिन लो इसमें कितने वर्ण है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी पाणिनीय सूत्रों के अनुसार स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 9। और व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33। कितनी होती है? 33। टोटल वर्ण कितने होते हैं? 42। यानी पाणिनीय सूत्रों के अनुसार यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्वर वर्ण कितने होते हैं? 9। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33। कुल वर्ण कितने होते हैं? 42। लेकिन आपसे भी पूछ लिया जाए कि सामान्य वर्णमाला में, अब वर्णमाला की बात आ गई, सामान्य वर्णमाला में या फिर लौकिक संस्कृत में
जो अब आप पढ़ रहे हैं लौकिक संस्कृत सामान्य वर्णमाला या लौकिक संस्कृत में स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो 13, क्योंकि सामान्य वर्णमाला में या लौकिक संस्कृत में प्लुत स्वर वर्णों का प्रचलन नहीं है। कितने होते हैं? 13, यानी 5 ह्रस्व और 8 दीर्घ, 8, 5, 13, यानी सामान्य वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33, और व्यंजन स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 13, और व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33। कुल वर्ण कितने हुए? 46। ये सामान्य वर्णमाला या लौकिक संस्कृत में, क्योंकि लौकिक संस्कृत में ना तो यम वर्णों को माना जाता है ना अयोगवा वर्णों को माना जाता है, संयुक्ताक्षर है, संयुक्त वर्ण है, वो तो दो व्यंजन वर्णों के योग से बने, उन वर्णों की तो हमने गणना पहले ही कर ली ना, दो स्पष्ट को नहीं माना जाता है, 5 स्वर में 5 ह्रस्व 8 दीर्घ स्वर हो गए 13, 33 व्यंजनों में 25 क्या हो गए? स्पर्श व्यंजन, 4 क्या हो गए? अंतस्थ व्यंजन, 4 क्या हो गए? उष्ण व्यंजन, वर्ण कितने हो गए? 33, कुल वर्ण कितने हो गए? 13 प्लस 33, 46 हुए कि नहीं हुए? किसके अनुसार हुए? सामान्य वर्णमाला लौकिक संस्कृत। उसके बाद में बात आती है कि जो कि सबसे मेन चीज है, यहां तो पाणिनीय सूत्र का आता, सूत्र दिमाग पर रखना, क्योंकि सूत्र का मतलब 14 माहेश्वरी सूत्रों पर आपका दिमाग जाना चाहिए। लेकिन पाणिनीय के अनुसार जो कि क्वेश्चन 2018 की जो अभी लगा था रीट का पेपर, उसमें पूछा गया था कि पाणिनीय के अनुसार कुल वर्णों की संख्या, पाणिनीय के अनुसार कुल वर्णों की संख्या पूछी गई थी। तो इसमें हम पहले कुल वर्ण तो बताएंगे, पहले हम स्वर वर्ण देखते हैं। तो पाणिनीय के अनुसार या फिर वैदिक संस्कृत में पाणिनीय के अनुसार या फिर वैदिक संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 21 या 22, बता चुका हूं मैं पहले, 21 या 22। यदि लिरी को केवल प्लुत माना जाएगा तो 21 स्वर, ह्रस्व और प्लुत माना जाएगा तो 22। उसके बाद में जो अन्य वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? 42, यानी कि व्यंजन वर्ण कितने माने गए पाणिनीय के अनुसार या वैदिक संस्कृत में? पाणिनीय सूत्रों के अनुसार स्वर 9, व्यंजन 33, कुल वर्ण 42, सामान्य वर्णमाला लौकिक संस्कृत के अनुसार स्वर कितने? 13, व्यंजन कितने? 33, कुल वर्ण 46। पाणिनीय के अनुसार या फिर वैदिक संस्कृत में स्वर वर्ण 21 या 22, व्यंजन वर्ण 42 और कुल वर्ण कितने बैठेंगे फिर? 63 या 64, यानी 63 तब बैठेंगे जब 21 स्वर मानेंगे तो 63 और 22 मानेंगे तो 64, यानी कि ये आपको आना चाहिए, क्योंकि 2-3 बार क्वेश्चन यहीं से आया है, अब भी आया है, लास्ट में भी आया है। तो वो कुल वर्णों की संख्या के बारे में पूछता है, कभी स्वर के बारे में पूछता है, तो व्यंजन के बारे में पूछ सकता है, किसी टोटल वर्णों किसी के बारे में, यानी कि किसी से संबंधित भी क्वेश्चन, यानी स्वर व्यंजन कुल वर्ण कहीं से भी पूछ सकता है। तो ये आपको मैंने माहेश्वरी सूत्रों के बारे में बताया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक संख्या में आप शेयर करें, लाइक करें, और आगे मैं अगले वीडियो में उच्चारण स्थानों के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।